जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? सुनिए मेरे गुरु, एक स्त्री थी जो व्यभिचार था, पाप करते हुए पकड़ी गई। शास्त्रियों ने, फरीसियों ने और उनके साथ में इसराइलियों ने, यहूदियों ने, अगुओं ने एक स्त्री को व्यभिचार का पाप करते हुए पकड़ लिया और मूसा की व्यवस्था में ये आज्ञा है कि अगर कोई व्यभिचार का पाप करे, कोई स्त्री या कोई पुरुष, तो उसके ऊपर में पथराव करो और अपने बीच से उसको नष्ट करो। ये व्यवस्था का कानून है। आइए मैं उसके पहले जब आगे बढ़े आपको व्यवस्था के विषय में आपको थोड़ा समय आपको बता दू। हालेलुया। अब और उसी तरह से एक आज्ञा थी कि तू व्यभिचार
उसको पकड़ लिया और जब पकड़ा तो अब मूसा की व्यवस्था के कानून के अनुसार उस स्त्री को अब कोई जीवन नहीं, कोई दया नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई क्षमा नहीं, वो क्या सीधा मृत्यु का दंड, सीधा मौत, सीधा मौत की सजा। अब वो स्त्री जो पाप की है साथ ही परी से उसको लेकर आए बीच में चौराहे पर ताकि उसको मार दे, लेकिन उसके पहले उन्होंने उसको यीशु मसीह के पास में लेकर के आए, उस स्त्री को यीशु मसीह के पास में लेकर आए। और जब यीशु के पास में लेकर के आ रहे हैं मेरे प्रभु, तो क्या बोल रहे हैं, हे गुरु ये स्त्री ने व्यभिचार का पाप किया है, तो गुरु आप क्या कहते हैं इस विषय में, आप क्या कहते हैं इस विषय में, क्योंकि शास्त्री और फरीसियों को इस बात का निश्चय था कि अवश्य यीशु मसीह व्यवस्था के विरोध में कुछ कहेगा, अर्थात ये बात कहेगा अरे स्त्री पर दया करो, अरे इसको क्षमा कर दो, अरे इसको दंडित मत करो। अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह देते ना तो वो व्यवस्था का विरोध होता, और व्यवस्था के विरोध में अगर यीशु मसीह इस प्रकार की बातें करते तो शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह के ऊपर भी पाप का दोष लगाते और यीशु मसीह भी दंड का दंड के योग्य हो जाते, और शास्त्री फरीसियों को मौका देता यीशु को भी दंडित करने का। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था का कानून जीवन नहीं देता, व्यवस्था का कानून मृत्यु देता है, मृत्यु देता है जीवन नहीं देता। व्यवस्था का कानून मेरे प्रियो, व्यवस्था का कानून दोष लगाता है, दोष लगाता है। आप निकालिए मेरे साथ में दूसरा कुरंथी, आइए निकालिए मेरे साथ में दूसरा कुरंथी, उसका तीसरा अध्याय, दूसरा कुरंथी उसका तीसरा अध्याय और उसका छह वचन से मैं आपके सामने में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर दो वाचाओं के विषय में बात चलती है, दो वाचाओं के विषय सुनिएगा। जिसने हमें नई वाचा, नई वाचा मतलब नया नया का सुसमाचार, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि ध्यान सुनेगा, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। क्या मतलब वाचा है, एक शब्द की वाचा, एक आत्मा की वाचा। शब्द मारता है लेकिन आत्मा का वाचा जिलाता है। आज मेरे को मेरे संदेश में दो वाचा को लेकर के आपके सामने में आया, एक वाचा जिसने मृत्यु किया, एक वाचा जिसने जीवन को दिया। जो जीवन देने वाली वाचा है वो आत्मा की वाचा है जिसको यीशु मसीह ने लेकर आया, इसको कहते हैं अनुग्रह और सच्चाई। एक वाचा जो मृत्यु को लेकर के आई वो मूसा के माध्यम से सीने पहाड़ से उतरी। अब हमारे में बाइबल उसको क्या कहती है, आइए आगे बढ़ते हैं। शब्द मरता है परंतु आत्मा जिलाता है। अब ये शब्द क्या है तो इसको क्लियर करना है सात वचन। अब देखिए सात वचन में क्या लिखा है, वाचा जिसके अक्षर पत्थरों का खोदे कहते हैं यहां तक तेजों में हुई। बस गौर कीजिएगा साथ में क्या लिखा है, यदि मृत्यु की वह वाचा, मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर शब्द, जिसके शब्द पत्थरों पर खोदे गए हैं, मृत्यु की वाचा। अखबार में जो पत्थर की पट्टियों पर जो दस आज्ञा लिख करके दी गई थी वो शब्द थे, वो अक्षर थी। बाइबल उसको मृत्यु की वाचा कहती है, जीवन देने वाली वाचा नहीं है वो, जीवन देने वाली वाचा नहीं है वो, मृत्यु की वाचा है। और जब मृत्यु की वाचा देखो में हुई तब क्या हुआ मालूम है, तब खुदा के जो लोग थे वो बचाए नहीं गए, मारे गए, मारे गए। व्यवस्था दस आज्ञा ने लोगों को मृत्यु का दंड दिया, इसी कारण उसको मृत्यु की वाचा कहा जाता है। आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप नौ वचन को, अब नौ वचन पर हम ध्यान करते हैं। नौ वचन क्या कहते हैं, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजो में थी वो धर्मी ठहराने वाली वाचा
हालेलुया। लेकिन जब वो स्त्री को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, प्रभु मूसा की व्यवस्था में, क्योंकि व्यवस्था मूसा की थी, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह का, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में तो लिखा है इस स्त्री ने व्यभिचार का पाप किया है, हमारे बीच में से इसको पत्थराव करो और नष्ट करो, ये आज्ञा दी गई है। तू इस विषय में क्या कहता है मेरे प्रियो? अगर वहां पर यीशु मसीह ऐसा कहते इस स्त्री को माफ करो, दया करो, ये व्यवस्था का विरोध होता, और अगर ऐसा कहते तो शास्त्री फरीसी यीशु मसीह पर भी व्यवस्था के अनुसार दोष लगाते और दंडित करते। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह यहां पर ये जवाब देते शास्त्री और फरीसियों को, ठीक है व्यवस्था के अनुसार इस स्त्री को दंडित करो और इस स्त्री को जल्द से मार दो, तो आप मालूम है वो लोग जिनको प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया है, सुसमाचार का मतलब होता है जीवन का समाचार, 7 गुना 70 बार माफ करने का समाचार, प्रेम का समाचार, प्रेम सब पापों को ढाप देता है, ये समाचार, ये होता है सुसमाचार। और जिनको यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया वे लोग चकित हो जाते, अरे प्रभु यीशु मसीह हमको क्षमा का सुसमाचार सुनाते हैं, प्रेम का सुसमाचार सुनाते हैं, दया का सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु कहते हैं प्रेम सब पापों को ढाप देता है, प्रेम आपका 70 बार माफ करता है, फिर यहाँ पर यीशु मसीह ऐसा कैसे कह सकते हैं शास्त्री फरीसियों को, ठीक है मूसा की आज्ञा के अनुसार इसको दंडित करो। समझ में आ रहा है? यीशु ना उधर बोल सकते थे ना उधर बोल सकते थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, ताकि दोष लगाने के लिए उस पर कोई बात पाए, इसलिए उन्होंने परखने के लिए ये बात उनसे कही। आगे परंतु यीशु झुककर उनमें से भूमि पर लिखने लगा। हाँ, उस समय यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया। आपको यहाँ पर मैं बता दूं मेरे प्रियो, विरोधी जो विरोधी लोग होते हैं, जो विवादित लोग होते हैं, जो विवाद करना जितना अलग होता है, हर बात में विवाद करते रहते हैं, हर बात पर विरोध करते रहते हैं। आपको मालूम है यहाँ पर प्रभु को सिखाता है विमान इसमें होती है विवादियों के साथ में विवाद मत करो, चुप रहो, खामोश रहो। अगर कोई विरोध करते हैं ना तो उनके बदले में विरोध मत करो, चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। यहाँ पर यीशु क्या कर रहा है? विवाद करने वालों के सामने में खामोश है, क्योंकि ये बुद्धिमानी है। अगर बीती बच्चों के आप नीचे लिखा हुआ है मालूम है चुप रहना बुद्धिमानी होती है, कई जगह पर हमको चुप रहना पड़ता है।
को भी निष्पाप नहीं ठहराती। अगर ये पत्थर मार दिए होते तो वचन के अनुसार ये दोषी ठहरते, ये दोषी ठहरते, इनका पाप का दोष होता और ये दंडित होता। कितनों को समझ में आ रहा है? कितनों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मेरे प्रियो? अगर ये पत्थर ये बोले यीशु मसीह ने कि तुम में जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे, और अगर ये मार देते ना तो व्यवस्था फिर दिन पर दोष लगाती, क्योंकि व्यवस्था तो किसी को भी निष्पाप नहीं ठहराती। और पत्थर मार के तो ये साबित कर रहे हैं हम निष्पाप है, तो जब तक दोष लगाती तो उनके ऊपर व्यक्त चला हुआ क्या अब पत्थर नहीं है। चलिए तो समझ में हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, व्यवस्था किसी को भी व्यवस्था निष्पाप नहीं ठहराती। आइए मेरे साथ निकालिए रोमियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय, और गहराई में हम जाएंगे, और गहराई में हम जाएंगे। मैं अब तक आपको पुरानी वाचा के विषय में बता रहा हूँ, फिर आपको मैं सुसमाचार बताऊंगा। ये मैं आपको पुरानी वाचा के विषय में बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अभी देखिए व्यवस्था क्या बोलती है। आप अगर 19 वचन को पढ़ते हैं, 3 और उसका 19, हम जानते हैं व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है हुआ था। इसलिए उनके ऊपर में कोई परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया उसके बावजूद भी उनके ऊपर में हुई, परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। जब भी मूसा यहाँ ध्यान था, आइबल में कहता है
छुड़ाऊंगा, अंधकार से छुड़ाऊंगा, मैं उनको मिस्र से छुड़ाऊंगा और छुड़ा करके मैं कनान देश लेकर के जाऊंगा। ये खुदा का प्रेम है, ये अनुग्रह है, ये खुदा की दया है, ये खुदा का छुआ है। इसको व्यवस्था से
के कह दिया, 20 वचन पे गौर कीजिएगा। क्योंकि व्यवस्था के कामों से, क्योंकि व्यवस्था के कामों से, क्योंकि व्यवस्था के माने जाने से, क्योंकि व्यवस्था के पालन से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था क्या होती है मालूम है, पाप मत करना, तब तुम पर दंड नहीं है।
हालेलुया। मैं आपको बता दूं, इस स्त्री का उद्धार हो गया। अगर यह स्त्री व्यवस्था के अधीन रहती, अगर यह स्त्री यीशु मसीह के पास नहीं नहीं जाती, अगर यह स्त्री सुसमाचार के अधीन नहीं होती, अगर यह स्त्री यीशु के पास नहीं नहीं जाती, व्यवस्था के कानून के अनुसार इस स्त्री को मौत का दंड दे करके मार दिया जाता। लेकिन हुआ क्या मेरे प्रियो, यीशु मसीह को शास्त्री और फरीसी जैसे यीशु मसीह के पास में लेकर के आ रहे हैं, सब कुछ बदल गया। क्या बदल गया? उसका पाप उसके ऊपर से हटाया गया, मृत्यु का दंड उसके ऊपर से हटाया गया। और यीशु मसीह ने क्या किया? उसका उद्धार किया, अर्थात उसको जीवन दिया। हालेलुया। एक बात, स्त्री जब यीशु के पास आई तो क्या प्राप्त करती है? उद्धार प्राप्त करती है, जीवन प्राप्त करती है। तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह पाप के प्रति कंप्रोमाइज कर रहे हैं, पाप नजरअंदाज कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आज भी पाप से घृणा करते हैं, लेकिन वो पापियों से प्रेम करते हैं। देख रहे भाई, किसने किया? समझ में आ रहा है?
पहुंचाने के लिए, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक भी है। व्यवस्था हमारी शिक्षक भी मसीह तक पहुंचाने के लिए आगे हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हम विश्वास से धर्मी ठहरे जी आगे। परंतु जब विश्वास आ चुका, परंतु आज जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, अब हम शिक्षक के अधीन नहीं है, क्योंकि विश्वास आ चुका है, मसीह आ चुका है। अब हम ना व्यवस्था के अधीन है, ना हम व्यवस्था के अधीन है, ना हम उस शिक्षक के अधीन है। कितना तो समझ में हालेलुया।